बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग UHS का पास्ट पेपर 2014 लेकर आए हैं। उसके अंदर से हम सेंटेंस करेक्शन का पोर्शन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पहला क्वेश्चन है, वी वर 10 माइल्स अप द हाईवे व्हेन आई हैपेंड टू सॉ दिस क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। ठीक है, आप लोगों ने हमेशा जब भी सेंटेंस करेक्शन का MCQ सॉल्व करना है, उसे आपने दो दफ़ा रीड करना है सेंटेंस को। ठीक है, फिर आप लोग देखिए जो अंडरलाइन हुआ हुआ है उसमें, यहाँ पे वी वर अप द टू सॉ इन द न्यूज़पेपर। अब देखते हैं इसमें क्या एरर है। इसमें एरर है यहाँ पे टू सॉ। देखिए, टू होता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के बाद जो भी हमारा वर्ब होता है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है हमेशा, तो टू सी आएगा यहाँ पे। द एरर इन द सेंटेंस इज द यूज ऑफ हैपेंड टू सॉ, इट मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय टू हैपेंड टू सी। जो पास्ट टेंस है सी का वो सा होता है, लेकिन इन्फिनेटिव में हमने प्रेजेंट टेंस लगाना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है जो कि सी है, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पर एरर है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, ऑल इज वेल व्हाट एंड्स वेल सेड द फादर व्हेन ही हैड फिनिश्ड द स्टोरी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या एरर है, यहाँ पर ये एरर है कि यहाँ पर जो फेमस कोटेशन है ना वो गलत लिखी गई है, मिस कोटेशन है यहाँ पर, क्योंकि फेमस कोटेशन की करेक्ट फॉर्म होती है ऑल इज़ वेल डेट एंड्स वेल। ऐसी नहीं होती कि ऑल इज़ वेल व्हाट एंड्स वेल। क्वेश्चन के अंदर उन्होंने यहाँ पे एरर दिया हुआ है व्हाट एंड्स वेल पे। तो इस कोटेशन का मतलब क्या होता है, इस कोटेशन का मतलब ये होता है कि डेट एज लॉन्ग एज द फाइनल आउटकम इज पॉजिटिव और सेटिस्फैक्ट्री, एनी डिफिकल्टीज और ट्रबल्स फेस अलॉन्ग द वे आर जस्टिफाइड और फॉरगिवन। कि अगर हमारा अंत अच्छा हो जाए, यानी आखिर जो आखिरी आउटकम होता है वो अच्छा आ जाए, तो हमें जितने भी हमारे साथ डिफिकल्टीज और ट्रबल्स हमने रस्ते में फेस की होती हैं वो हम समझते हैं कि बस मुनसिफाना था हमारे साथ, कोई बात नहीं। ठीक हो गया, All is well that ends well. तो इस वजह से यहाँ पे एरर यहाँ पे डैट का था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रबर ट्यूब्स अपॉन विच चिल्ड्रन हैड स्विंग इन बैकयार्ड्स हंग सस्पेंडेड लाइक स्टॉप क्लॉक पेंडुलम्स इन द ब्लेजिंग एयर। ठीक है, रबर ट्यूब्स अपॉन विच चिल्ड्रन हैड स्विंग इन बैकयार्ड्स हंग सस्पेंडेड लाइक स्टॉप क्लॉक पेंडुलम्स इन द ब्लेजिंग एयर। अगर आप इसके अंदर एरर देखो तो इसके अंदर एरर क्या है कि इसके अंदर जो हमारा वर्ड है हैड वो रिप्लेस हो जाएगा हैव से। क्यों? क्योंकि जो करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस होगी वो इस तरह बनेगी, रबर ट्यूब्स अपॉन विच चिल्ड्रन हैव स्वंग इन बैकयार्ड्स हंग सस्पेंडेड लाइक स्टॉप्ड क्लॉक पेंडुलम्स इन द ब्लेजिंग एयर। देखिए, यहाँ पे अगर हैड लगा है तो हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है यहाँ पे, इस वजह से एक तो गलती ये है, तो इस वजह से यहाँ पे हमने हंग स्वंग कर दिया और साथ में हम हैव इसलिए लगाएंगे क्योंकि वो जो रबर ट्यूब्स है ना वो अभी भी बैकयार्ड के अंदर लटके हुए हैं, वो अभी भी हवा में क्लॉक पेंडुलम्स की तरह ब्लेज कर रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे पास्ट नहीं बल्कि प्रेजेंट टेंस आएगा। क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन नो लॉन्गर, अगर हम हैड लगाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि चिल्ड्रन नो लॉन्गर स्विंग ऑन द रबर ट्यूब्स which contradicts the rest of the sentence that describes the tubes as being hung in the present tense. ठीक है, कि अभी तक वो लटक रहे हैं, अगर हम यहाँ हैड लगाएंगे तो हमारा उस टेंस उस सेंटेंस के पार्ट से कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी, तजाद हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ अपना पहला पार्ट भी प्रेजेंट में रखना है क्योंकि हमारा अगला पार्ट प्रेजेंट में है, हमें कंसिस्टेंसी रखनी है अपने सेंटेंस में। फिर अगर हम अपना अगला क्वेश्चन देखें तो वो है, द चाइल्ड वॉज फुली ड्रेस्ड एंड सिटिंग इन हर फादर्स लैप नियर द किचन टेबल। ठीक है, द चाइल्ड वॉज फुली ड्रेस्ड एंड सिटिंग इन हर फादर्स लैप नियर द किचन टेबल। इस सेंटेंस में कोई भी वो नहीं है करेक्शन के लिए, ये एरर है ही नहीं, ये बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट है। ठीक हो गया। उसके बाद अगला 41 क्वेश्चन है, द थ्री अब्दुल रहमान लाइक हिज इलस्ट्रियस प्रेडिसर वॉज अ यंग मैन ऑफ 23 व्हेन ही टुक ऑफिस। द थ्री अब्दुल रहमान, यहाँ पे जो हमारी एरर है ना वो यहाँ पे आती है, द थ्री अब्दुल रहमान, क्योंकि देखिए आगे हमें लाइक हिज इलस्ट्रियस प्रेडिसर वॉज अ यंग मैन ऑफ 23 व्हेन ही टुक ऑफिस। ठीक है, ये जो इसके साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अब्दुल रहमान के लिए ऐड की गई है कि अपने इलस्ट्रियस प्रेडिसर की तरह वो एक यंग बंदा था 23 साल का जब उसने ऑफिस संभाला। यहाँ पे एरर क्या है, यहाँ पे ये एरर है कि अब्दुल रहमान को मेंशन किया है थ्री टाइम्स, तो थ्री टाइम्स से मुराद ये है कि तीन बंदे अब्दुल रहमान के नाम से हैं, बल्कि नहीं, यहाँ पे ये एरर है, यहाँ पे एक ही बंदा अब्दुल रहमान की बात हो रही है जो कि कंपेयर किया गया अपने प्रोड्यूसर के साथ। ठीक है, सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हम ये जो द थ्री लिखा है स्टार्ट में ये नहीं होना चाहिए, वही हमारा एरर है।
इस वजह से ये ऐसा होगा सेंटेंस अब्दुल रहमान लाइक हिज इलस्ट्रियस प्रेडिसर वाज अ यंग मैन ऑफ 23 व्हेन ही टुक ऑफिस। ठीक हो गया। ये जो हमारा द थ्री है जो ये बता रहा है कि तीन सेम नामी अब्दुल रहमान वो गलत है, द थ्री नहीं आएगा, वो हमारा एरर है। उसके बाद अगर हम अपना आखिरी क्वेश्चन देखें जो है Enlarged and beautified by later caliphs, Al-Zahra become the nucleus of a royal suburb whose remain partly evacuated in and after 1910 can still be seen. देखें आपने ना सबसे पहले जब आपको सेंटेंस करेक्शन का क्वेश्चन दिया जाए तो आप अपने वर्ब्स को देखो कि आपके वर्ब्स कौन से सेंटेंस को फॉलो करें। आप यहाँ देखो सीन पास्ट, ठीक है, यहाँ देखो इवैक्यूएटेड पास्ट, ब्यूटिफाइड पास्ट, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो बिकम, बिकम तो पास्ट नहीं है ना, बिकेम पास्ट होता है, तो यहीं पे यही हमारी मिस्टेक है। कौन सी हमारी मिस्टेक है कि यहाँ पे यही हमारी मिस्टेक है कि यहाँ पे होना चाहिए था इनलार्ज्ड एंड ब्यूटिफाइड बाय लेटर कैलिफ्स अल-ज़हरा बिकेम द न्यूक्लियस ऑफ अ रॉयल सबर्ब हुज रिमेन पार्टली इवैक्यूएटेड इन एंड आफ्टर 1910 कैल्स्टिन बी सीन, क्योंकि सीन भी पास्ट में है, ठीक है, ब्यूटिफाइड से भी पता चल रहा है कि वर्ब पास्ट में है, तो यहाँ पे इवैक्यूएटेड ब्यूटिफाइड सीन ये हमारे पास्ट की बात हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे अल-ज़हरा बिकेम द न्यूक्लियस आएगा। ठीक हो गया। हमने अपने पूरे सेंटेंस की कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना है। अगर हम प्रेजेंट सेंटेंस, अब प्रेजेंट टेंस है तो हमने प्रेजेंट टेंस को ही फॉलो करना है, अगर पास्ट टेंस है तो हमने पास्ट टेंस को ही फॉलो करना है। ठीक हो गया। ये थी हमारी आज की 2014 के सेंटेंस करेक्शन UHS पास्ट पेपर की एक्सप्लेनेशन। इंशाल्लाह ताला हमारा इरादा है कि हम आप लोगों को तमाम पास्ट पेपर्स की एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो प्लीज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने तमाम दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिएगा ताकि सबको फ़ायदा हो जाए। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।